फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया टीवी एस्ट्रो की स्पेशल प्रेजेंटेशन कमल नंदलाल का अंक भविष्यफल। अंक भविष्यफल में बात करेंगे मूलांक एक से लेकर मूलांक नौ तक के राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे आपके नाम के आधार पर आपका राशि बताएंगे आपको नाम और मूलांक के आधार पर कुछ सिंपल से उपाय जो आपके लाइफ को सक्सेसफुल बना देंगे। इसके साथ साथ जानकारी देंगे आपको शुभाशुभ के बारे में, बताएंगे क्या है आपके लिए शुभ और क्या है आपके लिए अशुभ। तो शुभ को अपनाना और अशुभ को त्याग देना है, यही है सक्सेस मंत्र। इसके साथ साथ आपको जानकारी देंगे सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें, और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे नामांक स्पेशल उपाय और नामांक स्पेशल मंत्र। एक ऐसा मंत्र और उपाय जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देगा, किसी खास समस्या को चुटकी में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंक भविष्यफल की शुभाशुभ के साथ। तो दिन है मंगलवार का, तारीख है 16 जुलाई 2024, तिथि रहेगी दशमी, तिथि अंक रहेगा एक, नक्षत्र रहेगा विशाखा, नक्षत्र अंक रहेगा सात, दिन का मूलांक जो रहेगा वो रहेगा छह और भाग्यांक रहेगा चार, शुभ रंग रहेगा नीला और अशुभ रंग रहेगा हरा, शुभ दिशा जो रहेगी वो रहेगी नैऋत्य और अशुभ दिशा रहेगी उत्तर। तो इसलिए उत्तर दिशा की ट्रेवल करने से बचे और कोई भी जरूर खास इंपॉर्टेंट काम उत्तरमुखी होकर के ना करें। दिन की आपको बता दूं, दिन का जो सबसे अशुभ समय रहेगा वो रहेगा शाम को 3:34 से लेकर के शाम को 5:37 तक, और दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:32 से लेकर के दोपहर को 2:52 तक। और विशेष क्या है, आषाढ़ नवरात्र की दशमी है, ये विसर्जन का दिन है और ऐसे में विशेष तौर से देवी कमला के पूजन का विधान है। और हमारा जो विशेष उपाय है नामांक स्पेशल उपाय और नामांक स्पेशल मंत्र दशमी महाविद्या देवी कमला को ही संबोधित है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं अंक भविष्यफल की मूलांक एक के साथ। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 1/10/1928 तारीख को हुआ है या जिनका नाम एजेएस से शुरू होता है, कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, व्यर्थ के विवादों से बचें, खर्चों में वृद्धि होगी, पिता की सेहत के प्रति चिंता रहेगी। उपाय ये करें कि हनुमान जी पर गेंदा का फूल चढ़ाएं। मूलांक दो की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 2/11/20 या 29 तारीख को हुआ है या जिनका नाम बी के या टी से शुरू होता है, कारोबारी यात्रा से लाभ के योग हैं, आर्थिक सफलता मिलेगी, अरसे से लंबित पड़े काम पूरे होंगे, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। उपाय क्या करें कि शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाएं। मूलांक तीन की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 3/12/21 या 3 तारीख को हुआ है या जिनका नाम सी अलिया यू से शुरू होता है, छात्रों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे, रिश्तों के प्रति सतर्क रहें। उपाय ये करें नारायण कवच का पाठ करें। मूलांक चार की बात करें, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4/13/22 या 31 तारीख को हुआ है या जिनका नाम डी एम या वी से शुरू होता है, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए कामकाज करने से बचें, घर पर किसी मेहमान का आगमन होगा। उपाय क्या करें कि गरीबों को शरबत पिलाएं। मूलांक पांच की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5/14/23 तारीख को हुआ है या जिनका नाम ई एन ए डब्ल्यू से शुरू होता है, खास काम टालने से बचें, ऑफिस के कामकाज में लापरवाही से बचें, काम में बड़ों की सलाह फायदेमंद रहेगी, धन लाभ के मौके मिलेंगे। उपाय ये करें कि हनुमान जी पर तुलसी व मिश्री का भोग लगाएं। मूलांक छह की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6/15/24 तारीख को हुआ है या जिनका नाम एफ ओ एक्स से शुरू होता है, दोस्तों के मदद से रुके हुए काम पूरे होंगे, दाम्पत्य में तालमेल बेहतर रहेगा, नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। उपाय ये करें कि किसी सुहागन ब्राह्मणी को गुड़दान करें। मूलांक सात की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 7/16/25 तारीख को हुआ है या जिनका नाम जी पी या वाई से शुरू होता है, खान पान पर ध्यान दें, हर काम सावधानी से करें, जॉब में उच्च अधिकारी सहयोग देंगे, यात्रा करने के मौके मिलेंगे, सेहत पर पूरा ध्यान दें। उपाय ये करें कि हनुमान मंदिर में पताका चढ़ाएं। मूलांक आठ की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 8/17/26 तारीख को हुआ है या जिनका नाम एच क्यू या जेड से शुरू होता है, कहीं से कोई खुशखबरी मिलेगी, कारोबार में तरक्की के मौके मिलेंगे, तनाव से परेशान रहेंगे, पुराने दोस्तों से भेंट होगी, खर्चों में वृद्धि के योग हैं। उपाय ये करें कि हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक करें। मूलांक नौ की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 9/18/27 तारीख को हुआ है या जिनका नाम आई आर से शुरू होता है, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, बिगड़ा हुआ काम बनेगा, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, बड़े कारोबारी निवेश से बचें, सेहत अच्छी रहेगी। उपाय ये करें कि बजरंग बाण का पाठ करें। तो दोस्तों, अब समय है ये जानने का कि सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे सफलता पाने के लिए क्या करें। तो देखिए, देवी कमला पर इत्र चढ़ाएं, कमल गट्टे लाल फूल आदि चढ़ाएं, गाय को गुड़ खिलाएं, तांबा शहद मिष्ठान खरीदना शुभ रहेगा, नारंगी कपड़े पहनना शुभ रहेगा, विकंत का पेड़ लगाना शुभ रहेगा, नैऋत्य दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब बात कर लेते हैं असफलता से बचने के लिए क्या ना करें। तो देखिए, अत्यधिक आराम ना करें, बड़े बुजुर्गों की अनदेखी ना करें, हरे कपड़े ना पहने, मांस मदिरा का सेवन ना करें, परवल का दान और उपयोग ना करें, उत्तर दिशा की यात्रा ना करें।
तो दोस्तों अब समय है आज के नामांक स्पेशल उपाय का, वो स्पेशल उपाय जो दारिद्रता यानी कि गरीबी से मुक्ति दिलवाएगा। शास्त्र कहता है दारिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप। तो ऐसे में खास दिन है ये, आषाढ़ नवरात्रि की पूर्णा होती है, समाप्ति का दिन है, और ऐसे में दसवीं महाविद्या, नवरात्र के दसवें दिन दसवीं महाविद्या देवी कमला के पूजन का विधान है। तो क्या करें आप, दारिद्रता से मुक्ति के लिए महाविद्या कमला पर लाल चंदन चढ़ाकर वो जो चढ़ावा चंदन है उसे कार्यस्थल पर थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दें, सारी दारिद्रता दूर। बात करेंगे अब नामांक स्पेशल मंत्र की, वो मंत्र जो धन लाभ दिलवा के लिए। तो धन लाभ की प्राप्ति के लिए स्फटिक की माला से महाविद्या कमला के विशिष्ट मंत्र ओम श्रीम वरदाय नमः आश्वस्त करता हूँ, धन लाभ की निश्चित प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार नमस्कार।